विदिशा में 6 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन गंजवा सौदा के नजदीक नगमा पीपरिया में परिवार के ही सदस्यों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें परिजनों के अनुसार 10 लोगों ने मिलकर कुछ लोगों पर जानलेवा हमला किया। धारदार हथियारों से हमला कर 35 वर्षीय ज्ञान सिंह मीणा को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं उनके बड़े भाई गंभीर रूप से घायल राजेंद्र सिंह को भोपाल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। महेश और एक अन्य व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज में अभी भी इलाज के लिए रखा गया है। आज भोपाल में इलाज के दौरान मृत हुए राजेंद्र सिंह के शव को परिजनों ने विदिशा के विवेकानंद चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने के बाद CSP विकास पांडे, SDM भोपाल सिंह वर्मा मौके पर आए। बाद में ASP समीर यादव भी विवेकानंद चौराहा पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार के सदस्यों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उनके द्वारा घर पर पथराव करने की शिकायत करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मीना मेरा नाम। कारण ये है कि 6 तारीख की घटना थी जी। 6 तारीख को एक आदमी की डेथ हो गई थी। इसके बाद वे लोग भी पहले रिपोर्ट करने आए थे, तो वे तीनों लोग जो रिपोर्ट करने आए थे जो मृत हो जाने की वजह से उन्हीं लोगों को अरेस्ट किया था, वहीं के वहीं बैठा लिया था। इसके बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और वे लोग इन लोगों को तो धमकी दे ही रहे हैं। 2-3 जो बच्चे हैं जो उनने मार नहीं पाए, गाँव वाले इनने बचा लिया जब वो गाँव में पहुँच गए भाग के। तो इसके बाद मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं कि जो बहुत नेता हो रहा है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम पैसे में पुलिस खरीद ली हमने। नयागवा पिपरिया में एक घटना हुई थी 6 तारीख को, दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, वो हिंसात्मक विवाद हो गया था और दुर्भाग्यजनक रूप से उसमें एक व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गई थी। उस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा कायम किया था और हत्या का मुकदमा करने के बाद 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। दुर्भाग्यजनक रूप से उसमें एक दूसरे व्यक्ति की भी आज मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर से जो उनके परिजन थे उनका ये था कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसमें वैधानिक रूप से और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन बातों को लेकर के यहाँ पर वो परिजनों ने यहाँ पर अपनी बात रखी थी, उनसे बात हो गई है। मैं पुलिस की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि इसमें जो लोग भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आरोपी गढ़ों ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया है, उस पर मामा का बुलडोजर चलाना चाहिए। यह विवाद पुरानी रंजिश को लेकर होना बताया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ASP समीर यादव ने बताया कि एक विशेष टीम बनाकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपियों पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। राजस्व अमले से बातचीत कर आरोपियों के अवैध निर्माण की जानकारी जुटाने की बात कही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।